दोस्तों कैसे हो। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10। और दोस्तों हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में एल्किल हैलाइड निर्माण की विधियाँ। मैं आपको एल्किल हैलाइड निर्माण की एक विधि पढ़ा चुका था कि एल्केन द्वारा एल्किल हैलाइड कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था एल्केन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये एल्केन है, हैलोजनों से कराने पर, मतलब आपको हैलोजन मतलब F2Cl2 वगैरह लेने हैं, एल्किल हैलाइड बनता है। तो एल्केन से एल्किल हैलाइड हम कैसे बना सकते हैं, ये विधि मैं आपको लास्ट में बता चुका हूँ। एल्केन की अभिक्रिया हैलोजनों से करानी है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनों में समांस विखंडन होता है, दो मुक्त मूलक बनते हैं। Cl2 में बंद B से टूटेगा, दो Cl मुक्त मूलक बनेंगे। एक इसमें से H हटाएगा, H भी बीच में से हटेगा, मतलब समान से विखंडन से बंध टूटेगा। तो एक तो HCl बन जाएगा और दूसरा Cl यहाँ जुड़ जाएगा। H यहाँ से भी हट सकता था, यहाँ से H हटे चाहे यहाँ से H हटे एक ही बात होगी, ये उत्पाद बनेगा, ऐसी ये बताई थी मैंने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एल्किल हैलाइड निर्माण की एक विधि तो हम पिछली क्लास में ही पढ़ चुके हैं, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एल्किल हैलाइड निर्माण की दूसरी विधि पढ़ेंगे, एल्कीन द्वारा। एल्कीन द्वारा सामने देखो और समझो, ढंग से समझना। एल्किल हैलाइड बनानी है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एल्किल हैलाइड बनाना है और एल्कीन से बनाना है। जैसे मान लो आपको मैंने ये एल्कीन दी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इससे एल्किल हैलाइड बनाना है, तो आप एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराइए। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब समझ गए, HX। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब है HF, X का मतलब FClBri, HF, HCl, HBr, HI, ये हाइड्रोजन हैलाइड हैं। तो हैलोजन की अभिक्रिया आप हाइड्रोजन हैलाइड से कराओ, HX से कराओ, मान लो मैं HBr से करा रहा हूँ, ठीक है। रिएक्शन कैसे होगी, तो रिएक्शन कैसे होगी ये नीचे लिख रहा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोजन हैलाइड से अटैक करने के लिए आता है H+। आप ऐसे याद कर लो, अम्ल जो होते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड अम्ल हैं, अम्ल से H+ अटैक करता है। ये H+ अटैक करने आ गया, ये कहाँ अटैक करेगा, एल्किन पर। तो एल्किन की अभिक्रिया अपन हाइड्रोजन हैलाइड से करा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से H+ आया और H+ अटैक करने आया। अब प्लस वाला वहाँ अटैक करेगा, एल्किन पर अटैक करेगा ये H+, प्लस वाला वहाँ अटैक करेगा जहाँ उसे क्या दिखेगा, माइनस। तो हमको इसमें माइनस दिखाना है, माइनस दिखाने के लिए इसमें कहीं भी माइनस है नहीं, माइनस चार्ज। प्लस वाला वहाँ अटैक करेगा जहाँ उसको माइनस दिखे, माइनस चार्ज दिखे। अब इसमें कहीं माइनस चार्ज नहीं है, पर देखो एल्किन में एक पाई बंद होता है, एल्किन में आपको पता है डबल बॉन्ड होता है ना, एल्किन तो है ये, एल्किन में एक डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बंद होता है, और पाई बंद वीक होता है, कमज़ोर होता है। तो हम इस एल्किन के पाईबंद को तोड़ेंगे क्योंकि ये कमज़ोर है। बंद में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पाईबंद है, इसमें मान लो दो इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपन यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं और इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगेगी। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर आपने इधर शिफ्ट कर दिए तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस बंद में दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक, दोनों कार्बनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है इस बंद में। अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पर प्लस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा, और अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो इस कार्बन पर प्लस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा। मतलब हाइड्रोजन को अटैक करने के लिए माइनस चार्ज दिख जाएगा। तो तुम समझ गए होंगे हाइड्रोजन पर प्लस आवेश है, हाइड्रोजन एल्किन पर अटैक करने वाला है, तो एल्किन पर हमें क्या दिखाना होगा, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज हम कैसे दिखाएंगे, एल्किन के हम पाईबंद को तोड़ेंगे, मतलब इस पाईबंद के दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ तो या इस कार्बन पर या इस कार्बन पर शिफ्ट करेंगे। अब मेरी बात है समझो, देखो कार्बन पर इधर आ जाओ, इधर समझो, कार्बन पर प्लस हो, कोई भी यौगिक है जैसे मैंने ये लिखा CH3, 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 इसमें कार्बन पर प्लस चार्ज है,
तो ये है कार्ब कैटायन, क्या कहलाता है, कार्ब कैटायन। तो वह आयन, आयन ही तो है ये, जिसमें कार्बन पर प्लस चार्ज, जो क्या कहलाएगा, कार्ब कैटायन। मैंने ये लिखा CH3CH CH3+, ये भी एक कार्ब कैटायन है। मैंने ये लिखा CH3CH2+, ये भी एक कार्ब कैटायन है। तीनों आयन है और तीनों में कार्बन पर प्लस चार्ज है, ऐसे आयन जिनमें कार्बन पर प्लस चार्ज हो कहलाते हैं कार्ब कैटायन। अच्छा, एक बात और याद रखो, हालांकि कभी समझाया गया है 11th में, नहीं समझा तो डायरेक्ट याद रख लो। देखो, कार्ब कैटायन तीन तरह के होते हैं, एक होता है 3 डिग्री कार्ब कैटायन, एक होता है 2 डिग्री कार्ब कैटायन और एक होता है 1 डिग्री कार्ब कैटायन। इसमें जिस कार्बन पर प्लस है वो कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन तो बताया था मैंने क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन वह होता है जो 3 कार्बन से जुड़ा होता है। ये कार्बन देखो जिस पर प्लस है, ये कार्बन 3 कार्बनों से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, तो ये है 3 डिग्री कार्ब कैटायन। 2 डिग्री कार्ब कैटायन क्या होता है, 2 डिग्री कार्ब कैटायन में जिस कार्बन पर प्लस होता है वो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है। और 1 डिग्री कार्बन में, 1 डिग्री कार्ब कैटायन में जिस कार्बन पर प्लस होता है वो 1 कार्बन से कनेक्ट होता है। तो दोस्तों, ये है 3 डिग्री कार्ब कैटायन, ये है 2 डिग्री कार्ब कैटायन और ये है 1 डिग्री कार्ब कैटायन। तीनों कार्ब कैटायनों के स्थायित्व को देखें तो सबसे अधिक स्थायी होता है 3 डिग्री कार्ब कैटायन और सबसे कम स्थायी होता है 1 डिग्री कार्ब कैटायन। तो मैंने एक बात समझाई, इसको याद करो, कार्ब कैटायन कितने प्रकार के होते हैं, 3, 3 डिग्री कार्ब कैटायन, 2 डिग्री कार्ब कैटायन और 1 डिग्री कार्ब कैटायन। 3 डिग्री कार्ब कैटायन में 3 डिग्री कार्बन पर प्लस होता है, 3 डिग्री कार्बन वह कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा होता है। 2 डिग्री कार्ब कैटायन में 2 डिग्री कार्बन पर प्लस होता है और 1 डिग्री कार्ब कैटायन में 1 डिग्री कार्बन पर प्लस होता है। तीनों में सबसे अधिक स्थायी कौन होता है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन, सबसे कम स्थायी कौन होता है, 2 डिग्री कार्ब कैटायन। अब यही बात पर आ जाओ, अच्छा इधर आ जाओ, मैं इस यहां पर था, इस बंद के, पाई बंद के दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम इस कार्बन पर भी शिफ्ट कर सकते हैं और इस कार्बन पर भी। अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां शिफ्ट करता हूं तो 2 डिग्री कार्बन पर प्लस आएगा, प्लस चार्ज देखो आप। तो अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां शिफ्ट करता हूं इस कार्बन पर, तो इस पर तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से माइनस आ जाएगा और इस पर एक इलेक्ट्रॉन घटने से प्लस, मतलब प्लस आएगा 2 डिग्री कार्बन पर। ये कार्बन 2 डिग्री है, 2 कार्बन से कनेक्ट है और ये 1 डिग्री है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट करता हूँ, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट करता हूँ तो 1 डिग्री कार्बन पर प्लस आएगा। तुम बताओ, सोचो, अभी कह रहे थे 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्ब कैटायन में अधिक स्थायी कौन होता है, 2 डिग्री कार्ब कैटायन, जिसमें 2 डिग्री कार्बन पर प्लस होता है। तो मैं अब इसी कंसेप्ट को अलग तरह से लगा रहा हूँ, पर दिमाग से समझो आप, अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ले जाता हूँ तो 1 डिग्री कार्बन पर प्लस आता है और दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ले जाता हूँ तो 2 डिग्री कार्बन पर प्लस आता है। आप बताइए, आपके हिसाब से 2 डिग्री कार्बन पर प्लस लाना चाहिए कि 1 डिग्री कार्बन पर प्लस लाना चाहिए? लड़के ने कहा साहब 2 डिग्री कार्बन पर प्लस लाइए। मैंने कि क्यों? क्योंकि 2 डिग्री कार्बन कैटायन मोर स्टेबल होता है, अधिक स्थायी होता है और उत्पाद हमेशा वह बनता है जो अधिक स्थायी होता है। भाई, किसी भी रिएक्शन का उत्पाद क्या बनेगा, कम स्थायी थोड़ी बनेगा, उत्पाद तो हमेशा वो बनेगा जो अधिक स्थायी होता है। तो मेरी बात समझ गए हो, तो अगर ध्यान से समझ रहे हो, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इधर ले जाने से बेनिफिट है क्योंकि 2 डिग्री कार्बन पर प्लस आएगा, आगे 2 डिग्री कार्बन कैटायन बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इधर लेकर आता तो 1 डिग्री कार्बन पर प्लस आता, सही है? तो ये समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों किया, 2 डिग्री कार्बन पर प्लस आ रहा है। अब यहाँ क्या आएगा, माइनस एच प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, जिससे क्या उत्पाद बनेगा, CH3। ढंग से देखना, CH इस पर क्या आवेश आ गया है, प्लस, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ प्लस, यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा। CH2 पर क्या आवेश आया था, माइनस, और माइनस से एच प्लस जुड़ गएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3। अरे माइनस से प्लस वाला जुड़ेगा, आवेश खत्म। तो ये देखो, ये कौन सा कार्ब कैटायन बन रहा है, 2 डिग्री कार्ब कैटायन। अगर आप ऐसा कर देते तो H प्लस यहाँ जुड़ता, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप यहाँ लाते तो H प्लस यहाँ जुड़ता और उत्पाद बनता 1 डिग्री कार्ब कैटायन। हमेशा उत्पाद कौन सा बनाया जाता है, अधिक स्थायी, बन गया। तो ये तो H प्लस ने अटैक करा, अब इसके बाद कौन अटैक करेगा, Br-। हाइड्रोजन हैलाइड का H प्लस अटैक करा है Br-, माइनस वाला यहाँ जुड़ जाएगा तो हमारे लिए प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा CH3। CH प्लस से Br- जुड़ेगा, ये उत्पाद बन जाएगा।
तो इस रिएक्शन का उत्पाद ये बना CH3CH BrCH3, इसका नाम आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, सामान्य नाम, ठीक है। तो जब आप देख सकते हो एल्किन की अभिक्रिया अपन हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं, दोबारा समझ लो, सबसे पहले अटैक करने H प्लस आया, प्लस वाला कहाँ अटैक करेगा, जहाँ उसे क्या दिखे, माइनस, तो हमको पाई बंद तोड़ करके माइनस दिखाना है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ले जाता हूँ तो 2 डिग्री कार्बन पर प्लस आता है, और दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ लाते हैं तो 1 डिग्री कार्बन पर प्लस आता है। हमेशा प्लस 1 डिग्री पर लाएँ कि 2 डिग्री पे, 2 डिग्री पे दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 2 डिग्री कार्बन पर प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस वाले से प्लस जुड़ जाएगा, ये कार्बन कैटायन बन गया, फिर बी आर माइनस अटैक करेगा, बी आर माइनस यहाँ जुड़ जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्रियाकारक है, ये उत्पाद है, और ये बीच में जो कार्बन कैटायन बना है रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन के बीच में जो एक तरह से प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें बोलते हैं मध्यवर्ती। तो ये क्रियाकारक है, ये उत्पाद है, ये मध्यवर्ती है, रिएक्शन के बीच में बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मध्यवर्ती। तो जब अपन एल्किन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो इसमें मध्यवर्ती जो है वो कार्बन कैटायन बनता है। अच्छा, तो आप ये तो समझ गए होंगे कि एल्किन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराने पर उत्पाद एल्किल हैलाइड बनेगा। अब मेरी बात को तसल्ली से सुनो, इस अभिक्रिया के बारे में बहुत और बात करता हूँ। यह अभिक्रिया मार्कोनिकोफ के नियम का पालन करती है। एल्किन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो उत्पाद एल्किल हैलाइड बनता है, और यह अभिक्रिया मार्कोनिकोफ के नियम का पालन करती है। बात ही सब मार्कोनिकोफ का नियम क्या है, मार्कोनिकोफ नामक वैज्ञानिक कहता है या इस नियम के अनुसार हैलोजन समूह का योग एल्किन के द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से होता है। ये दोनों कार्बन द्विबंध से जुड़े हैं, तो मार्कोनिकोफ का नियम कहता है हैलोजन समूह का योग एल्किन के द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से होता है जिस पर हाइड्रोजन कम हो। इस पर हाइड्रोजन कितना है, 1, इस पर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इस पर हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पर हैलोजन जुड़ेगा, और यहीं जुड़ा है देखो ढंग से, और दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये अभिक्रिया मार्कोनिकोफ के नियम का पालन कर रही है। मार्कोनिकोफ का नियम ये कहता है कि एल्किन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराने पर हैलोजन समूह का योग एल्किन के द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से होता है जिस पर हाइड्रोजन कम होते हैं। इस पर हाइड्रोजन 1 है, इस पर हाइड्रोजन 2 है, तो हैलोजन समूह यहाँ जुड़ेगा, ऐसा ही हुआ है। तो हम इस रिएक्शन को डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर हमको मार्कोनिकोफ का नियम, जैसे ही मैंने लिखा एल्किन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड, आपके दिमाग में तुरंत मार्कोनिकोफ का नियम आना चाहिए, और हैलोजन समूह का योग द्विवंश जुड़े उस कार्बन पर कराओ जिस पर हाइड्रोजन क्या होता है, कम, तो यहाँ Br जोड़ दो, यहाँ H जोड़ दो, ये उत्पाद बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने दूसरे तरीके से भी समझाया, मार्कोनिकोफ के नियम से। पहले मैंने मार्कोनिकोफ के नियम से नहीं, डायरेक्ट समझाया। तो हम लिख सकते हैं एल्किन की अभिक्रिया, एल्किन की अभिक्रिया हाइड्रोजन, एल्किन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराने पर हाइड्रोजन हैलाइड से कराने पर उत्पाद एल्किल हैलाइड बनता है। उत्पाद एल्किल हैलाइड बनता है, ठीक है। हम आगे लिख सकते हैं यह अभिक्रिया मार्कोनिकोफ के नियम का पालन करती है। मार्कोनिकोफ ठीक है के नियम का पालन करती है। ठीक है, किसके नियम का पालन करती है, मार्कोनिकोफ के नियम का पालन करती है। इस नियम के अनुसार,
इस नियम के अनुसार हैलोजन, इस नियम के अनुसार एल्कीन की अभिक्रिया, एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराने पर हैलोजन समूह का योग, एल्कीन के द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से होता है, द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से होता है, कोमा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो, ठीक है। तो अब डायरेक्ट देख लो, पहले मैंने इसको अलग तरह समझाया था, अब दोबारा से समझाता हूँ। मैंने आपको ये एल्कीन ली, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी अभिक्रिया किससे कराने के लिए कही, हाइड्रोजन हैलाइड से। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, एल्कीन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो हैलोजन समूह का योग एल्कीन के द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से होता है। ये द्विबंध से जुड़े कार्बन दिख रहे हैं, तो उस कार्बन से होता है जिस पर हाइड्रोजन कम हो। तो यहाँ पर हैलोजन जुड़ेगा और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, CH3CH यहाँ जुड़ जाएगा Br, ये बंद टूट ही जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा H, तो यहाँ वह H जुड़ जाएगा, ये उत्पाद बन जाएगा। नाम लिख सकते हैं इसका आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। मैंने एल्कीन दूसरी दी, एग्जाम्पल दूसरा दिया CH3 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी अभिक्रिया भी मान लो मैंने HBr से ही कराई, तो ये भी तो एक एल्कीन ही है, इसमें एक डबल बॉन्ड उपस्थित है। तो द्विबंध से जुड़े कार्बन दिख रहे हैं, इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं, 0, और इस कार्बन पर 2 हैं, तो हैलोजन समूह का योग इस कार्बन पर होगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, द्विबंध से जुड़े उस कार्बन पर होगा जिस पर हाइड्रोजन कम है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3, यहाँ C पर कौन जुड़ेगा, Br, नीचे कौन, CH3, ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ क्या जुड़ेगा, H। तो द्विबंध जुड़े इस कारण पर हैलोजन और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये उत्पाद बनेगा। तो आप डायरेक्ट भी समझ गए होंगे, तो इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। ठीक है, अब मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये ऊपर वाली रिएक्शन दिख रही है आपको, अब मैं एल्कीन की अभिक्रिया HBr से ही करा रहा हूँ, पर किसकी उपस्थिति में, परोक्साइड की उपस्थिति में, मतलब इस रिएक्शन में परोक्साइड भी काम में लिया गया है। तो एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से ही कराई जा रही है, पर अब पहले वाली रिएक्शन और अब के रिएक्शन में अंतर है, पहले परोक्साइड नहीं लिया था, अब के मैं परोक्साइड ले रहा हूँ। तो एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से परोक्साइड की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो परोक्साइड की उपस्थिति में क्या होगा, ढंग से समझें। पहले इस रिएक्शन में अटैक करने के लिए सबसे पहले कौन आया था, पहले तो ये जानते हो परोक्साइड क्या होता है। परोक्साइड ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें दो ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हों, ये भी एक परोक्साइड है, H2O2 है, इसमें परोक्साइड में दो ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3 और यहाँ भी CH3 लिख देता हूँ, ये भी एक परोक्साइड है। तो परोक्साइड में दो ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, इसको आप जानते होंगे H2O2, ये है डाइहाइड्रोजन परोक्साइड। परोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन पूरी चेंज हो जाएगी,
जब हम परोक्षण लेते हैं, मान लो इस अभिक्रिया में हम ये परोक्षण ले रहे हैं, तो परोक्षण में समान से विखंडन होगा, ये परोक्षण में ये बंद बीचों बीच से टूटेगा, तो परोक्षण से दो OH मुक्त मूलक बनेंगे। ये OH मुक्त मूलक इस HBr में समान से विखंडन करेंगे, तो परोक्षण से तो ये परोक्षण लिया, दो OH मुक्त मूलक आए, इसमें ये बंद को तोड़ेंगे और H को पकड़ लेंगे, तो अटैक करने के लिए आएगा कौन? Br मुक्त मूलक। रिएक्शन चेंज हो गई है। अब मैं एल्किन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करा रहा हूँ, पर रिएक्शन बिल्कुल चेंज है। मैंने एल्किन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराई, ये रिएक्शन है, ये इसकी मैकेनिज्म है कि ये रिएक्शन कैसे हुई, मैकेनिज्म क्रियाविधि। एल्किन की अभिक्रिया जब अपन हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो सबसे पहले अटैक करने कौन आता है? Br मुक्त मूलक। जब परोक्साइड नहीं था तो अटैक करने कौन आया था? H प्लस। ध्यान करो, अब अटैक करने Br मुक्त मूलक आ रहा है क्योंकि H मुक्त मूलक को ये पकड़ लेता है, इसमें समान विखंडन होता है, H मुक्त मूलक को परोक्साइड पकड़ लेता है, तो Br मुक्त मूलक अटैक करने आता है। अब मुक्त मूलक कहाँ अटैक करेगा? इसमें भी ये पाईबंद टूटेगा, पर पाईबंद अब कौन से विखंडन से टूटेगा? समांश। सही है, मतलब इसमें पाईबंद समांश विखंडन से टूटेगा, जब ये बीचों बीच से टूटेगा तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। समझ गए होंगे मेरी बात को? बंद बीचों बीच से टूटेगा वो पाईबंद। पहले बंद इस तरह से टूट रहा था कि धन प्लस और माइनस चार्ज आए, अब के बंद बीचों बीच से टूट रहा है। अगर Br यहाँ जुड़ता है तो 2° मुक्त मूलक बनेगा। है जैसे हम कहते हैं कार्बन पर प्लस आ जाए तो कार्ब कैटायन, और कार्बन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाए तो कार्ब मुक्त मूलक। मैंने एक बात कही थी, 3° कार्ब कैटायन सबसे अधिक स्थायी होता है, उससे कम 2° और सबसे कम 1°। इसी प्रकार 3° कार्ब मुक्त मूलक सबसे अधिक स्थायी होता है, 2° उससे कम और 1° सबसे कम। अच्छा ढंग से सुनो, अगर Br यहाँ जुड़ता है तो क्या बनेगा? तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा, मध्यवर्ती बनेगा। अगर Br यहाँ जुड़ा तो दोनों बंद बना लेंगे। ये कैसा मुक्त मूलक है मुझे बताइए? 2° टू, ये मुक्त मूलक तो है, ये कार्ब मुक्त मूलक है क्योंकि कार्बन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और 2° कार्बन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, 2° कार्बन ही तो है ये, तो ये 2° मुक्त मूलक है। अगर Br यहाँ जुड़ता तो कैसा मुक्त मूलक बनता? 1° उत्पाद हमेशा अधिक स्थायी बनता है, उत्पाद यहाँ पर 2° मुक्त मूलक बनेगा। तो मेरी बात समझ गए होंगे, ये एल्कीन थी आपके पास, इसमें समांश विखंडन हुआ, दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो Br यहाँ जुड़ेगा क्योंकि Br के यहाँ जुड़ने पर 2° मुक्त मूलक बनेगा। अगर Br यहाँ जुड़ जाए तो 1° बनेगा। 2° मुक्त मूलक और 1° मुक्त मूलक में कौन सा अधिक स्थायी है? 2° तो ये बनेगा, ये बन गया, Br यहाँ जुड़ गया, कार्बन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन रह गया। अब ये जो H इसने पकड़ रखा था परोक्साइड ने, वो अटैक करने आ जाएगा एच मुक्त मूलक, और वो यहाँ जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2Br। उत्पाद अब भी एल्किल हैलाइड ही बना, पर पहले बन रहा था, जब ध्यान करो जब परोक्साइड नहीं था, यही अभिक्रिया मैंने पहले कराई थी, तो उत्पाद बन रहा था आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, अब बन रहा है एन प्रोपिल ब्रोमाइड। पहले Br समूह यहाँ जुड़ रहा था, अब यहाँ जुड़ा है। मतलब जब एल्किन की अभिक्रिया हम परोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, उत्पाद ये बनाना CH3CH2CH2Br, ये ऐसे हुई है। नीचे मैंने समझा रखी है कि किस तरह से हुई है, सबसे पहले Br मुक्त मूलक ने अटैक किया, फिर H मुक्त मूलक ने अटैक किया, इस तरह से हुई है। रिएक्शन पूरी तरह से चेंज हो गई है। अब मेरी बात को आप ढंग से समझ लो, क्लियर कर लो, क्या ये अभिक्रिया मार्कोनिकोफ के नियम का पालन नहीं कर रही है? एल्कीन की अभिक्रिया जब मैंने परोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड से कराई, तो हैलोजन समूह का योग एल्कीन के द्विबंध जुड़े उस कार्बन से जुड़ा, हैलोजन समूह का योग एल्कीन के द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से हुआ जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। मतलब मार्कोनिकोफ का नियम नहीं, यहाँ कौन सा नियम चल रहा है? एंटी मार्कोनिकोफ का नियम। एंटी मार्कोनिकोफ का नियम क्या है? एल्कीन की अभिक्रिया परोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड से कराने पर हैलोजन समूह का योग एल्कीन के द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से होता है जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। मतलब मार्कोनिकोफ के नियम का उल्टा नियम चलता है अगर परोक्साइड आ जाए तो। सही है, तो हम इसके बारे में भी लिख सकते हैं, इसी बात को आगे लिख सकते हैं, एल्कीन की अभिक्रिया परोक्साइड की उपस्थिति में
हैं, हम ये बात आगे लिख सकते हैं इसमें नीचे स्टार लगा करके, परोक्साइड की उपस्थिति में, परोक्साइड की उपस्थिति में एल्किन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराने पर उत्पाद एल्के हैलाइड बनता है। उत्पाद तो एल्के हैलाइड ही बनता है। यह अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकोव के नियम का पालन करती है। किसके नियम का? परोक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनिकोव का नियम चलेगा कि एंटी मार्कोनिकोव का? एंटी मार्कोनिकोव के नियम का पालन करती है। इस नियम के अनुसार एल्कीन की अभिक्रिया परोक्साइड की उपस्थिति में, मैं पूरा लिख देता हूं, इस नियम के अनुसार एल्कीन की अभिक्रिया परोक्साइड की उपस्थिति में, परोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड से कराने पर हैलोजन समूह का योग, हैलोजन समूह का योग एल्कीन के द्विबंध से जुड़े, द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु अधिक हो। उल्टा हो गया ये नियम। हाइड्रोजन परमाणु अधिक हो, नियम उल्टा हो गया। मतलब परोक्षण की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकोव का नियम चलता है। हैलोजन समूह का योग एल्किन के द्विबंध से जुड़े उस कार्बन पर होता है जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। नियम जस्ट उल्टा हो गया। क्यों हो गया वो नीचे समझाया है मैंने आपको, क्लियर? तो इसको भी नीचे स्टार लगा करके इसी में नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों, ये नोट कर लिया आपने? तो हमने पहले एल्केन से एल्के हैलाइड बनाने की विधि देखी, फिर एल्कीन से जब एल्के हैलाइड बनाया तो दो अलग अलग कंडीशन थी, बिना परोक्साइड के और परोक्साइड के। अब हम बात करते हैं एल्किल एल्कोहल से। नंबर तीन आएगी, एल्के हैलाइड निर्माण की विधियाँ पढ़ रहे हैं ना। सबसे पहले पढ़ी एल्केन द्वारा, फिर पढ़ी एल्कीन द्वारा, और अब पढ़ोगे एल्किल एल्कोहल द्वारा। नंबर तीन किसके द्वारा? एल्किल एल्कोहल द्वारा। ठीक है, एल्किल एल्कोहल क्या होते हैं? एल्किल एल्कोहल में OH समूह होता है और एल्किल समूह से जुड़ा होता है। एल्किल को R से प्रेजेंट करते हैं। एल्किल एल्कोहलों में OH समूह होता है और एल्किल समूह से जुड़ा होता है। एल्किल आप जानते ही हो ना, एल्केन में से एच हटा दें तो क्या बचेगा? एल्किल। ठीक है, तो एल्किल एल्कोहल द्वारा एल्किल हैलाइड बनाना है। तो हम सुनो, इधर ढंग से देखो, एल्किल एल्कोहल की, एल्किल एल्कोहल की निम्न से अभिक्रिया द्वारा हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। निम्न से अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। मतलब सिंपल भाषा में कहूं तो एल्किल एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की कई विधियां हैं, और पहली विधि है ए, एल्किल एल्कोहल की अभिक्रिया कराएं हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड के लिए HX लिख दूं, से अभिक्रिया द्वारा।
मैंने कहा एल्किल अल्कोहल की निम्न से अभिक्रिया द्वारा हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, तो सबसे पहले किससे अभिक्रिया करा रहे हैं एल्किल अल्कोहल की? हाइड्रोजन हैलाइड से। देखो इधर मैं सिंपल तरीका से समझाता हूँ, एल्किल अल्कोहल को मैं ऐसे लिख देता हूँ, एल्किल समूह को मैं आर से प्रेजेंट कर रहा हूँ, एल्किल अल्कोहलों में OH एल्किल समूह से जुड़ा होता है, ठीक है। एल्किल अल्कोहल अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? हाइड्रोजन हैलाइड से, तो जल का निष्कासन हो जाएगा H2O। जब एल्किल अल्कोहल की अभिक्रिया आप हाइड्रोजन हैलाइड से कराओगे तो जल का निष्कासन हो जाएगा और उत्पाद बनेगा RX, एल्किल हैलाइड प्लस H2O। ये एल्किल हैलाइड ही है, हैलोजन समूह है और ये एल्किल समूह से जुट रहा है, और हैलोजन एल्किल समूह से जुट रहा हो तो क्या होगा? एल्किल हैलाइड। ये तो हो गई रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि ये हुई कैसे, इसकी क्रिया विधि। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराने पर H2O निकल जाएगा, जल का निष्कासन हो जाएगा और एल्किल हैलाइड बन जाएगा। इसकी क्रिया विधि से समझते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती है। ये अल्कोहल है, ऊपर लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16वें वर्ग का है, 6 में से आप देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन बंद बना रहे हैं, एक एल्किल समूह से एक हाइड्रोजन से, और 4 थाली इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब 2 लोन पेयर हैं। लोन पेयर होता है थाली इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, सही है। एल्कोहल की अभिक्रिया अपन हाइड्रोजन हैलाइड से करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन हैलाइड से आपको पता ही है अटैक करने के लिए एच प्लस आता है। मैंने पहले भी कहा है जब एल्किन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराई थी उस समय भी कहा था, हाइड्रोजन हैलाइड से सबसे पहले अटैक करता है एच प्लस। प्लस वाला अटैक कहाँ करता है? जिसे जहाँ उसे क्या दिखे माइनस। प्लस वाला वहाँ भी अटैक कर सकता है जहाँ उसे थाली इलेक्ट्रॉन दिखे। तो एल्किल अल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु पर एच प्लस अटैक करता है, क्या बनेगा? देखो इधर सामने समझो, ये इस पे लोन पेयर है, ये एच प्लस ये आ गया, है ना, एच प्लस ये आ गया अटैक करने। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बंद बना लेंगे, मतलब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, उपसहसव बंद है। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ऑक्सीजन के। उपसहसव बंद को आजकल सिंपल रेखा से भी प्रदर्शित कर देते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बंद में ऑक्सीजन के हैं, तो हाइड्रोजन पे ये इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन का ही है। एक इलेक्ट्रॉन पहुंचने से हाइड्रोजन का प्लस खत्म हो जाएगा, पर ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला गया, तो यहाँ ऑक्सीजन पर क्या आवेश आ जाएगा? प्लस। लोन पेयर को दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बन गया। समझ गए होंगे कैसे बना। ये एच प्लस आया, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन ने बंद बनाया हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का प्लस खत्म हो गया, पर ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जाने से ऑक्सीजन पर क्या आ गया? प्लस। ये कहलाएगा ऑक्सोनियम आयन। कौन सा आयन बना? ऑक्सोनियम आयन। जैसे अपन बोलते हैं कार्बन पर प्लस आ जाए तो ऐसा आयन कहलाता है कार्बोकैटायन, और ऑक्सीजन पर प्लस आ जाए तो ऐसा आयन कहलाता है ऑक्सोनियम आयन। अब ये ऑक्सोनियम आयन जो होता है ये अनस्टेबल होता है, अस्थाई होता है। ढंग से देखो, इस बंद में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप ढंग से देखें तो दिख रहा है क्या? ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बंद यहाँ से टूटेगा इस तरह से। जब ये बंद यहाँ से टूटेगा तो आर का इलेक्ट्रॉन जो है इसको ऑक्सीजन ले जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही ऑक्सीजन का प्लस खत्म हो जाएगा। भैया आर का इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑक्सीजन का प्लस खत्म हो जाएगा, और ऑक्सीजन का प्लस खत्म होते ही क्या निकल गया? H2O। H2O तो निकल गया ये। अब आर पर क्या आवेश बचेगा? प्लस। ये क्या है मुझे बता सकता है कोई? ये है कार्बोकैटायन। अरे एल्किल समूह पर प्लस आ जाए, ये एल्किल समूह है और इस पर प्लस आ जाए तो ये कार्बोकैटायन ही तो बन गया है, मैथिल एथिल पर प्लस, तो ये कार्बोकैटायन बन गया। अच्छा अभी तो ढंग से देखो, आपने एल्किल हैलाइड के एच प्लस नहीं अटैक करा है, अब कौन अटैक करेगा? एक्स माइनस, और एक्स माइनस इससे जुड़ करके एच प्लस से क्या बना लेगा? आर एक्स। इस तरह एल्किल हैलाइड बन जाएगा और जल का निष्कासन हो जाएगा। इस अभिक्रिया में ये क्रियाकारक हैं दोनों, एल्कोहल और हाइड्रोजन हैलाइड, ये दोनों उत्पाद हैं, और मध्यवर्ती अभिक्रिया के बीच में बनने वाले क्या क्या बने? ऑक्सोनियम आयन और कार्बोकैटायन। तो इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती ऑक्सोनियम आयन और कार्बोकैटायन बनते हैं। कैसे हुई अभिक्रिया दोबारा समझो। एल्कोहल की अभिक्रिया अपन ने हाइड्रोजन हैलाइड से कराई, सबसे पहले अटैक किसने किया? एच प्लस ने। कहाँ पर? ऑक्सीजन पर। इस तरह से जुड़ गया एच प्लस, ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन ने बंद बना लिया हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का प्लस खत्म हो गया पर ऑक्सीजन पर प्लस आ गया,
ये बन गया ऑक्सोनियम आयन, इसमें से H2 निकल जाता है, ये बंद इस तरह से टूटता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से ऑक्सीजन का प्लस खत्म हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही ऑक्सीजन पर प्लस खत्म, H2 निकल जाएगा, R प्लस का कैटायन बचेगा, फिर इससे X माइनस जुड़ करके एल्केल लेड बना लेगा। तो ये रिएक्शन इस तरह से हुई है, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि एल्किल एल्कोहल की अभिक्रिया एल्किल एल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराने पर, ठीक है, एल्किल एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराने पर, हाइड्रोजन हैलाइड से कराने पर एल्किल एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराने पर उत्पाद एल्किल हैलाइड में जल बनता है। ठीक है, तो इसको नोट करें यहां तक, फिर आगे और समझते हैं, इसे नोट करो फटाफट। ठीक है, अब आगे देखो, एक बात और लिख देता हूँ, चलो उसको आगे समझेंगे, यहाँ तक नोट कर लिया आपने, अब आगे देखो, एक बात और समझाता हूँ तुम्हें, एल्किल एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम, इस अभिक्रिया के लिए बात चल रही है, एल्किल एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम। देखो ऐसे एल्किल हैलाइड मैंने बताए थे आपको, ध्यान हो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, एल्किल हैलाइड तीन तरह के थे, हैं 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइडों को आगे वर्गीकृत किया था मैंने, ऐसे ही एल्किल एल्कोहल भी तीन तरह के होते हैं, जैसे एक एल्किल एल्कोहल तो मैंने ये लिया CH3 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 OH, ठीक है, एक एल्किल एल्कोहल मैंने ये लिया CH3 CH CH3 OH, और एक एल्किल एल्कोहल मैंने ये लिया CH3 CH2 OH, ठीक है, ये है 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल में OH समूह एल्किल समूह जुड़ा होता है, OH समूह 3 डिग्री कार्बन जुड़ रहा है इसमें, 3 डिग्री कार्बन ही तो है ये कार्बन, 3 कार्बन जुड़ रहा है, अगर OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा हो तो 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल, इसमें OH समूह 2 डिग्री कार्बन जुड़ रहा है ये है, अरे उसी तरह जैसे एल्किल हैलाइड भी तीन तरह के होते हैं, ऐसे ही एल्किल एल्कोहल भी तीन तरह के होते हैं, ये है 2 डिग्री एल्किल एल्कोहल और ये है 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल, ठीक है। अच्छा मैं इसकी अभिक्रिया कराऊं, है मान लो ये है, मतलब ये वाला ये है, तो इससे बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, नहीं बनेगा क्या, पहले H प्लस अटैक करेगा, ढंग से सुनो, सबसे पहले ऑक्सीजन पे H प्लस अटैक करेगा, फिर ये यहाँ से टूट करके निकल जाएगा H2O के रूप में, तो इससे क्या बनेगा, ढंग से समझे तो, अगर मैं इस अभिक्रिया में 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल लेता हूँ तो इससे बनेगा ये CH3 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 प्लस, ढंग से देख लो ये बनेगा ना, अरे सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा यहाँ, फिर H2O निकल जाएगा, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, इसको पता ही आपको अभिक्रिया में कार्बोकैटायन बनता है, 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल से ये कार्बोकैटायन बनेगा, अगर मैं इस अभिक्रिया के लिए ये काम में लेता हूँ तो इससे H यहाँ अटैक करेगा, H2O यहाँ से निकलेगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा, ढंग से देखो, सही है, और अगर मैं ये लेता हूँ तो इससे ये कार्बोकैटायन बनेगा,
ये कौन सा कार्बन कटायन है बताओ? 3 डिग्री कार्बन कटायन। ये तीन ही कार्बन कटायन है ना, कार्बन पे प्लस है ना, पर ये 3 डिग्री कार्बन कटायन है। ये कौन सा है? 2 डिग्री। और वो लास्ट वाला कौन सा कार्बन कटायन है? 1 डिग्री। बात को बड़ी ईमानदारी से समझें, 1 डिग्री कार्बन कटायन, 1 डिग्री कार्बन पर प्लस है तो 1 डिग्री कार्बन कटायन, 2 डिग्री कार्बन पर प्लस है तो 2 डिग्री कार्बन कटायन, और 3 डिग्री कार्बन पर प्लस है 3 डिग्री कार्बन कटायन। सबसे अधिक ये स्थाई होता है। अरे तीनों कार्बन कटायनों में बात कर रहा हूँ मैं, ये सर्वाधिक स्थाई, थोड़ी देर पहले ही बताया था। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बन कटायन में सबसे अधिक स्थाई कौन सा होता है? 3 डिग्री। और ये होता है सबसे कम स्थाई। है तो ये जब सबसे अधिक स्थाई है, 3 डिग्री कार्बन कटायन सबसे अधिक स्थाई है, तो सीधी सी बात है, बुद्धि लगा करके समझना, अगर मैं 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल लेता हूँ तो उसे 3 डिग्री कार्बन कटायन बनता है इस अभिक्रिया के दौरान, 2 डिग्री एल्किल एल्कोहल लेता हूँ तो उसे 2 डिग्री कार्बन कटायन बनता है, और 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल लेता हूँ तो उससे 1 डिग्री कार्बन कटायन बनता है, और सबसे अधिक स्टेबल होता है इनमें 3 डिग्री कार्बन कटायन, तीनों कार्बन कटायनों में। तो अधिक स्थाई अधिक बनता है, आपको पता होगा। तो ये सबसे अधिक बनेगा, ये अधिक स्थाई है, ये सबसे अधिक बनेगा। और ये सबसे अधिक कब बनेगा? जब ये सबसे अधिक रिएक्शन करेगा, और ये सबसे अधिक रिएक्शन करेगा तो सबसे अधिक क्रियाशील होगा। अरे सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील वो होता है जो सबसे अधिक रिएक्शन करता है। अगर मैं 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल इस अभिक्रिया में लेता हूँ तो उससे 3 डिग्री कार्बन कटायन बनेगा जो अधिक स्थाई होता है, तो ये फटाफट रिएक्शन करेगा क्योंकि इससे उत्पाद क्या बन रहा है? अधिक स्थाई। बुद्धि से सोचो भाई, अधिक स्थाई अधिक बनता है, कम स्थाई कम बनता है। जो उत्पाद अधिक स्थाई है वो अधिक बनेगा। अधिक जब ही तो बनेगा जब ये रिएक्शन करेगा, इसके रिएक्शन करने पर ही तो ये बनेगा, तो सबसे अधिक रिएक्शन ये करेगा। तो एल्किल एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम ये आया कि सबसे अधिक एल्किल एल्कोहल कौन सा क्रियाशील होगा? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। कारण क्या है? क्योंकि 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल से मध्यवर्ती बनता है 3 डिग्री कार्बन कटायन जो सबसे अधिक स्थाई होता है, इसलिए 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल तुरंत अभिक्रिया करता है। बात को समझो, बुद्धि लगाओ भाई, 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल से 3 डिग्री कार्बन कटायन बनता है, 2 डिग्री एल्किल एल्कोहल से 2 डिग्री कार्बन कटायन बनता है, और 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल से 1 डिग्री कार्बन कटायन बनता है। सही है, इन तीनों कार्बन कटायन में सबसे अधिक स्थाई कौन सा है मुझे बताओ? 3 डिग्री कार्बन कटायन। और भाई जो सबसे अधिक स्थाई है वो सबसे अधिक बनता है, तो सबसे अधिक ये जब ही तो बनेगा जब सबसे अधिक ये रिएक्शन करेगा, और ये सबसे अधिक रिएक्शन करेगा तो सबसे अधिक क्रियाशील होगा। तो हम पर सिंपल भाषा में कह सकते हैं, इसको ऐसे समझा सकते हैं कि भाई इस अभिक्रिया के लिए 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि उसका मध्यवर्ती, उससे निर्मित मध्यवर्ती 3 डिग्री कार्बन कटायन अन्य एल्कोहलों से निर्मित, एल्किल एल्कोहलों से निर्मित कार्बन कटायनों से अधिक स्थायी होता है। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल से निर्मित 3 डिग्री कार्बन कटायन अन्य एल्किल एल्कोहलों से निर्मित कार्बन कटायनों से अधिक स्थाई होता है, इसलिए 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल इस अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, ये हम लिखेंगे, पर उससे पहले नीचे लिख लेंगे इस बात को, पहले जो ये ब्लैकबोर्ड पर लिख रहा है इसको नोट करो, फिर मैं लिखाऊंगा, नोट करो इसको, वीडियो को पॉज करो, नोट करो। लिख लिया, नीचे कारण डाल के लिखो, कारण लिखो फिर डैश लगाओ फिर लिखो, मैं बोलता हूँ, कारण डाल लिया नीचे लिखो, लिखो 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल, 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल 2 डिग्री व 1 डिग्री एल्किल एल्कोहलों से अधिक क्रियाशील होता है, 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल 2 डिग्री व 1 डिग्री एल्किल एल्कोहलों से अधिक क्रियाशील होता है,
अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि क्योंकि 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल से मध्यवर्ती 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल से मध्यवर्ती 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनता है। 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल से मध्यवर्ती 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनता है। जबकि 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनता है जबकि अन्य एल्किल एल्कोहलों से निर्मित कार्ब कैटायन अन्य एल्किल एल्कोहलों से निर्मित कार्ब कैटायन कम स्थाई होते हैं इसलिए थ्री डिग्री एल्किल एल्कोहल सर्वाधिक क्रियाशील होता है। 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल सर्वाधिक क्रियाशील होता है। क्लियर। अब बात को आगे समझते हैं भाई। इससे जो कार्ब कैटायन बन रहा है वो सबसे अधिक स्थायी है, इसलिए सबसे अधिक क्रियाशील है। सिंपल भाषा में कहूं तो ये तो हो गई एल्किल एल्कोहलों की क्रियाशीलता, है ना। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता। भाई इस अभिक्रिया में आपने एल्किल एल्कोहलों की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराई है ना, तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता। हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम की क्रियाशीलता का क्रम हाइड्रोजन हैलाइड हमारे पास चार है भाई। इस अभिक्रिया में आप एल्किल एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो एल्किल एल्कोहलों की क्रियाशीलता तो हमने देख ली, सबसे अधिक क्रियाशील 3 डिग्री एल्कोहल है क्योंकि उससे बनता है 3 डिग्री कार्ब कैटायन जो सबसे अधिक स्थायी होता है। अब हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, हाइड्रोजन हैलाइड HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr और HI। अब बात करते हैं कि इन चारों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है इस अभिक्रिया के लिए। देखो अगर हम HF लेते हैं तो उससे बनते हैं H+ और F-। H+ तो सबसे निकलेंगे, इससे H+ निकलेगा तो F- बचेगा, इससे H+ निकलेगा तो Cl- बचेगा, इससे H+ निकलेगा तो Br- बचेगा और इससे H+ निकलेगा तो I- बचेगा। भाई H इनसे सब ये सब अभिक्रिया के दौरान ध्यान करो, H+ देते हैं तो F- बचेगा, इससे H+ और Cl- बनेंगे, इससे ये बनेंगे। H+ तो सब में एक जैसा बनेगा पर इनमें डिफरेंस है। इन चारों में सबसे अधिक स्थाई कौन सा है मुझे तो ये बताओ। F- Cl- Br- और I- में ये सबसे अधिक स्थाई है अपने बड़े आकार के कारण। सर्वाधिक स्थाई ये सबसे अधिक स्थाई है और ये सबसे कम स्थाई F- ये सबसे कम स्थाई है। देखो ऐसा होता है, बड़े आकार पर एक कंसेप्ट होता है, बड़े आकार पर माइनस अधिक स्थाई। अगर किसी में बड़े आकार पर माइनस है तो अधिक स्थाई। देखो F है, F की बाह्यतम कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन है और I- तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। भाई F 17 वर्ग का है, बाह्यतम कक्षा 7 इलेक्ट्रॉन है, माइनस आवेश आ गया तो F- में 8 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में और I- में भी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। भाई बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ने से I- में भी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब बाह्यतम I का आकार जो सबसे बड़ा होता है F Cl Br और I नीचे नीचे है अपने वर्ग में, I का आकार सबसे बड़ा होने की वजह से ये 8 इलेक्ट्रॉन इस पर आसानी से विराजमान हो सकते हैं, रह सकते हैं क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे।
तो इसमें इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण कम होने से यह अधिक स्थायी होगा। सीधी सी बात है भाई, इसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण कम होगा, अंतर इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण कम, तो यह अधिक स्थायी होता है। जबकि ऐप का आकार छोटा है तो बाह्यतम कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये ऐप माइनस कम स्थायी होगा। तो कारण समझ लो, आई माइनस सबसे अधिक स्थायी होता है अपने बड़े आकार के कारण। ये सबसे अधिक स्थायी है तो सबसे अधिक क्रियाशील ये होगा। बिल्कुल वही जैसे थ्रीडिग्री एल्किल एल्कोहल से थ्रीडिग्री कार्बोकैटायन बनता था, वो सबसे अधिक स्थायी होता था, तो थ्रीडिग्री एल्किल एल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील। इसी प्रकार एच आई से ये आई माइनस ये अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी अधिक बनता है, ये अधिक बनेगा, ये अधिक टूटेगा, और जब ये अधिक टूटेगा तो ये सबसे अधिक क्रियाशील होगा। सही है, तो बिल्कुल वही। तो पहले आप इसे नोट करो, नीचे हम कारण भी नोट कर लेंगे इसका। नोट करो, वीडियो को पॉज करो, पहले नोट करो। कर लिया नोट, वीडियो को पॉज करके अब नीचे लिखो कारण डाल के। लिखो एच आई का मध्यवर्ती आई माइनस, एच आई का मध्यवर्ती आई माइनस अपने बड़े आकार के कारण, एच आई का मध्यवर्ती आई माइनस अपने बड़े आकार के कारण अन्य हाइड्रोजन हैलाइडों, अन्य हाइड्रोजन हैलाइडों के मध्यवर्ती, अन्य हाइड्रोजन हैलाइडों के मध्यवर्ती एक्स माइनस से अधिक स्थायी होता है, अन्य हाइड्रोजन हैलाइडों के मध्यवर्ती एक्स माइनस से अधिक स्थायी होता है, इसलिए एच आई सर्वाधिक क्रियाशील होता है, एच आई सर्वाधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, तो ये आपने नोट किया दोस्तों। वीडियो में आज जो पढ़ा है हमने, बहुत शानदार समझने की बातें आई हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट रखना, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे।